सर आज की क्या स्थिति है कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों की? कल रात की जो रिपोर्ट आई थी इसमें इंदौर जिले के 8 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें मिलाने के बाद अभी 923 तक हमारा आंकड़ा पहुंच गया है और 52 लोगों की इसमें से मृत्यु हुई है और 75 के करीब लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिया, वो ठीक होकर जा चुके हैं। इसके अलावा कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो इस नॉर्म में आ गए हैं कि उनका पहला और दूसरा सैंपल यदि नेगेटिव आ जाता है तो उन्हें भी हम छुट्टी कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय टीम आई है उनके निर्देशानुसार हम लोग कुछ और बेड्स बढ़ाने के, लोगों को डिस्चार्ज करके रेड हॉस्पिटल्स में जगह बढ़ाने का, येलो में जो भी पेशेंट्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स में देर हो गई थी उन्हें भी हम टेस्टिंग रिपोर्ट जल्दी दिला के ताकि वो येलो हाउस जो है वो खाली हो जाए। इस तरह से हम लोग पूरे बेड्स की व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं और किसी भी आगामी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सर कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी और जो है वो पॉजिटिव हुए हैं और एक जो पॉजिटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं ठीक होके, उनमें से मौत हो रही है। देखिए पॉजिटिव से जो निगेटिव हो जाते हैं तभी उनको डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि वो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इसके पश्चात ऐसी किसी मृत्यु की सूचना मुझे तो नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, हो सकता है किसी की अन्य किसी कारणों से जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या अन्य कोई कारण हो सकते हैं जो या जो उनको प्री डिस्पोजिंग डिजीजेस पहले से ही थी उनकी वजह से कुछ मौत हुई हो तो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल पुलिसकर्मियों का जहाँ तक संक्रमित होने का है, कल तक की लिस्ट में तो नाम नहीं था, रात को कुछ अधिक टेस्ट लगाए गए हैं मेडिकल कॉलेज में, इसकी रिपोर्ट अभी अवेट है। सर कितने अभी रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग हो गई है? अभी मेरे हिसाब से कम 300 लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। सर इंदौर में भी अब एक टेस्ट की सेंटर बढ़ गया है, सोडानी को अभी अनुमति मिल गई है और शीघ्र ही एक दो सेंटर और भी बढ़ने वाले हैं और हो सकता है कि हम लोग एक दिन में 1000 तक टेस्ट लगाने की क्षमता तक पहुँच जाए।